धन्यवाद कृषि मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, नेफ्टेम बिल फरवरी 19 में राज्यसभा में आया था, उसके बाद स्थायी समिति में गया। स्थायी समिति में कुछ संशोधन हुए, उन संशोधनों को मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया और फिर दोबारा से राज्यसभा के समक्ष विमर्श के लिए आया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनेक विद्वान सदस्यों ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किए और सबने बिल के प्रति अपने सुझाव के साथ निश्चित रूप से संतोष व्यक्त किया और इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। निफ्टम और IIFPT ये दोनों संस्थान पहले से स्थित हैं और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश की किसान हितैषी नीतियाँ, किसानों का परिश्रम, उनकी जागरूकता, उन सब के परिणाम स्वरूप चाहे खाद्यान्न का विषय हो, चाहे बागवानी का विषय हो, चाहे कृषि से संबंधित अन्य जो उत्पाद हैं उनका विषय हो, सब में हमारा देश अग्रणी तेजी के साथ होता जा रहा है। पूरे विश्व में भी अगर हम तुलना करें तो कहीं हम उत्पादन के क्षेत्र में क्रमांक एक पर हैं, कहीं दो पर हैं, और लगातार जहां दो पर हैं वहां हमारे लोगों का कोशिश है कि हम एक पर आएं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रमुख रूप से एक विषय है कि हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित रहीं, उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और आज निरंतर इस दिशा में हमारे किसान प्रगति कर रहे हैं। लेकिन फसल के उपरांत जो फसल का प्रबंधन होना चाहिए, यह आज भी हमारे सामने संकट का विषय बना हुआ है। चाहे वो भंडारण का विषय हो, चाहे कोल्ड चेन का विषय हो, चाहे प्रोसेसिंग का विषय हो, इन सब क्षेत्रों में हम लोग प्रतिवर्ष चर्चा करते हैं। सरकारी उपार्जन भी होता है, बाकी सारी चीज़ भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बर्बादी हो रही है, बर्बादी के कारण पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, किसान का भी नुकसान हो रहा है, तो इस दिशा में निश्चित रूप से अभी हम सब लोगों को काम करना काफ़ी आवश्यक है। और जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यह एक क्षेत्र आज ऐसा है जो कृषि के क्षेत्र में स्थित अनेक समस्याओं को समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोक सकता है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है और हमारे जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को विश्व में भी एक बड़ा स्थान दिला सकता है। और इस दृष्टि से भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को अलग से बनाया और उस मिनिस्ट्री के माध्यम से अनेक योजनाओं का सृजन किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के एक अम्ब्रेला स्कीम है, किसान संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो काम हुआ है उसमें 106 लाख टन फूड को संरक्षण और प्रोसेसिंग के अंतर्गत लाया गया है। इसी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत 444 लाख ये रोजगार के अवसर भी सृजित हुए और 147 लाख किसान इससे
निश्चित रूप से लाभान्वित हुए। अभी पिछले दिनों आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा, जब आत्मनिर्भर पैकेज की चर्चा हुई, 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया गया और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और उसके साथ साथ 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग के लिए भी दिया गया, जो छोटी यूनिटें हैं उनको सरकार की मदद मिले और वो छोटी यूनिटें एक जिला एक उत्पाद के तहत कुछ उत्पादों के लिए वो काम करें, जिससे कि हमारी छोटी जो इंडस्ट्री है वो खड़ी हो। और यह 10,000 करोड़ रुपए स्कीम के माध्यम से इन लोगों तक पहुँचें। इस दिशा में काफ़ी अच्छे से काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत कृषि के क्षेत्र में और कृषि उत्पाद के उत्पादन के क्षेत्र में एक तौर से महारत हासिल किए हुए और किसानों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये महारत आने वाले कल में और बढ़ती ही जाना है। और इसलिए जब इन फसलों के प्रबंधन की बात आएगी तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके माध्यम से हो रहा है। कृषि विभाग की जो अनेक स्कीमें हैं उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन जब प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको एक दीक्षित मेन पावर की आवश्यकता होगी और ये मेन पावर खड़ी हो और ऐसे संस्थान जो संस्थान सभी प्रकार से सक्षम हों और वो देश ही नहीं दुनिया में भी एक प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में जाने जाएं, उनकी अपनी क्षमता हो, उनकी अपनी स्थिति हो, उनको अपनी स्वतंत्रता हो, वो स्वयं अपने निर्णय ले सकें, स्वयं अपने कोर्स से चला सकें, स्वयं अनेक यूनिवर्सिटियों से, विद्वानों से, इंडस्ट्री से, विदेश से व्यवहार कर सकें, इसके लिए निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता की आवश्यकता ये दोनों हमारे संस्थानों को महसूस कई दिन से की जाती रही है। पिछले बार भी जब ये बिल आया था तो सभी लोगों ने अच्छे विचार प्रकट किए थे, स्टैंडिंग कमेटी ने भी संशोधन किए, उन संशोधनों को भी हम लोगों ने स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि अभी कुल मिला के ये दोनों संस्थान 400 के आसपास मेन पावर को जोड़ते हैं, लेकिन जब इनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा तो ये हमारे IIT और IIM के बराबर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़े हुए लोग, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग और जो इस क्षेत्र में छात्र आना चाहते हैं वो सब इस पर और आकर्षित होंगे, उनके भविष्य की दृष्टि से भी ठीक होगा। और जब टेक्नोलॉजी से लैस हमारी मेन पावर खड़ी होगी तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो अंततोगत्वा किसान को फ़ायदा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हम अपने निर्यात को भी बढ़ा सकने में सफल होंगे। इस दिशा में मैं समझता हूँ कि ये बिल बहुत ही अच्छी भावना से सरकार लेकर आई है, सभी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है और मैं बहुत अधिक न बोलते हुए मैं आप सब लोगों को यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिल की मंशा को समझते हुए हम सब लोग इसे समर्थन करें। एक दो मेंबर्स ने अपनी व्यक्तिगत बात कही है, जैसे मनोज जी ने बिहार की बात कही है, भास्कर जी ने अपने क्षेत्र की बात कही है, तो वो मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से जो मैं ध्यान दे सकता हूँ मैं दूंगा। एक बात इसमें हमारे शिवाजी ने उठाई थी कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन जाएगा तो आरक्षण का क्या होगा, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनेगा तो राष्ट्रीय महत्व के जितने कानून हैं आरक्षण सहित सभी इस पर लागू होंगे, इसलिए आरक्षण इसमें रहेगा, इसलिए बेफिक्र रहना चाहिए। एक बात ये आई है किसानों को इसमें रहना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में भी संभवतः ये विषय आया होगा, चूँकि ये विषय फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है तो प्रोसेसिंग से संबंधित जितने अनुभवशील लोग हैं वो इसके BOG में, सीनेट में, परिषद में हैं और दूसरा संसद का प्रतिनिधित्व भी परिषद में रहेगा, इस बात का प्रावधान इस बिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। नाउ द क्वेश्चन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप द मैनेजमेंट बिल 2009।